का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनोखे अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा अज श्रद्धा भावना नाल अमृतसर विखे मनाया जा रहा है। तो गुरुद्वारा शहीदा साहिब विखे असी खड़े हाँ, तो अच सवेर तो ही संगत जिहड़ियां ने दर्शन दीदारे करन वास्ते पुज रही ने। तस्वीर तुहानू असी गुरुद्वारा साहिब की दिखा रहे हैं, तुसीं वेख सकदे हो कि अज सवेर तो ही संगत का जरा हड़ है वो इत्थे पुजा है। तो बाबा दीप सिंह जी दे दर बाबा गुरुद्वारा श्री शहीदा साहिब विखे नतमस्तक होने वास्ते संगत पुज रही ने। तुसीं वेखो श्रद्धा भावना दे नाल जिहड़े लोग ने वो इत्थे आ रहे ने। तो ये गुरुद्वारा साहिब की एक वक्री महानता है, क्योंकि शहीदा साहिब का गुरुद्वारा जरा आख्या जाता है। इस करके आख्या जाता है कि बाबा दीप सिंह जी ने अपनी शहादत जिहड़ी है दित्ती सी, तां सचखंड श्री हरिमंदर साहब की रक्षा वास्ते जिहड़ी है अपनी शहादत दित्ती सी। तो इस करके बाबा दीप सिंह जी का सिख धर्म दे विच एक अनोखा स्थान है। तो लोग अगर असी गल करिए तो अमृतसर के नाल नाल अमृतसर के आस पास के जिन्हें भी इलाके ने संगतां जिहड़ियां ने इत्थे हुम हुम आ के पुजदियां ने। तो अज बाबा जी का शहीदी दिहाड़े के उत्ते नतमस्तक होने वास्ते संगतां इत्थे आ रही ने। तो असीं तुहानूं गुरुद्वारा साहिब के भी दर्शन दीदारे करा रहे हैं, तो ये नाल संगतां दे भी दिखा रहे हैं कि किस तरह संगत जिहड़ी है इत्थे पुजी है। तो हर कोई माई भाई जिहड़ा है, हर कोई वर्ग का व्यक्ति जिहड़ा है इस जगह पर आके अपने आप नूं जरा है वडभागा महसूस कर रहा है, क्योंकि अज एक वड्डा दिवस है। तो इस करके संगत भी अज सवेर तो ही अमृत वेले तो ही इत्थे पुज रही है। तो उस तो बाद संगत जिहड़ी है दर्शन दीदारे कर रही है। तो गुरुद्वारा साहिब नूं जिस तरीके नाल सजाया गया है उसकी भी तस्वीर तुहानूं सांझी कर रहे हैं। तुसीं वेखो कि गुरुद्वारा साहिब दे जरा आन दा रस्ता है उत्थे किस तरह फुल्लां दी सजावट की गई है। तो विशेष तरह के फुल जिहड़े ने अज इत्थे लगाए गए हैं। तो इत्थे जिहड़ा है संगतां जिहड़ियां ने अज पहुँच रही ने। तो असी तुहानूं दिखाना चाहवांगे कि गुरुद्वारा साहिब तां तो कुछ दिन पहला धवाई की सेवा की गई सी, तो उस तो बाद परसों रोज तो श्री अखंड पाठ साहब रखाए गए सी, तो अज श्री अखंड पाठ साहब के भोग पए ने। तो उस तो बाद संगतां जिहड़ियां ने अज हुम हुमा के पुजदियां नज़र आ रही ने, नमस्कार कर रही। तो गुरुद्वारा साहिब के असी तुहानूं दर्शन भी करवा रहे हैं कि जिहड़े लोग घर च बैठे ने जिहड़े इत्थे नहीं पुज सकते तो वो जिहड़े ने इत्थे पुजन जी। तो तुसी वेखो कि संगतां नूं असी दर्शन करा रहे हैं कि जिहड़े लोग अपने घर च बैठे ने जिहड़े कि दर्शन नहीं कर सकते, जिहड़े किसी कारणवश नहीं आ सकते, क्योंकि बाबा जी का स्थान एक वडमुला स्थान है, एक वड्डा स्थान है जिथे कि संगतां जिहड़ियां ने आंदियां ने। तो तुसी वेख सकते हो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की जिहड़ी इत्थे महाराज का जो प्रकाश है, उस तो बाद संगतां जिहड़े इत्थे पहुँच रही ने। तो उत्थे इत्थे असी तुहानूं दर्शन करावांगे कि तुसी वेखो गुरुद्वारा साहिब जो कि शहीदा साहिब गुरुद्वारा जो कि बहुत एक दुनिया भर तो संगतां जिहड़ी इत्थे पुजदियां ने। अगर कहिंदे कोई व्यक्ति सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक होण आउंदा है, तो उस तो बाद गुरुद्वारा शहीदा साहिब विखे भी पुजदा है। तो उत्थे अज संगतां जिहड़ियां ने पुज रहीआं ने। तो बाबा दीप सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा है, तो उत्थे अज सवेरे अमृत वेले तो ही संगतां पुजियां। तो जिथे कि सचखंड श्री हरिमंदर साहिब पुजे, तो उस तो बाद गुरुद्वारा शहीदा साहिब विखे नतमस्तक हो रहीआं ने। तो फुल्लां की सजावट भी असीं तुहानूं साझी कर रहे हैं कि देश के वख-वख हिस्सों तो जिहड़े ने इत्थे फुल लिआंदे गए ने, तो उन्हां नूं इत्थे महाराज के दरबार के विच सजाया गया है। तो उस तो इलावा हर वर्ग, ये सब तो वड्डी गल है कि इस गुरुद्वारा साहिब दे विच कल्ले एक सिख नहीं, हर धर्म के लोग आके इत्थे नतमस्तक हुंदे ने, ते अपने जिहड़ियां मुरादां ने इत्थे पूरियां करदे ने। तो ये इतिहास जरा है गुरुद्वारा साहिब का बहुत है, क्योंकि बाबा जी ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब की राखी वास्ते अपनी शीश दिता सी। तो उस तो बाद शहीदा साहिब गुरुद्वारा जरा है इको ही है जो कि शहीदा साहब, क्योंकि शहादत एक बहुत वड्डी चीज़ है, क्योंकि किसी भी धर्म की अगर गल की जाए तो शहादत जिहड़ी है वो मानवता वास्ते, इंसानियत वास्ते, धर्म वास्ते जिहड़ी शहादत हुंदी है सब तो वड्डी मन्नी जाती है। तो बाबा दीप सिंह जी का भी एक वडमुला इतिहास है, तो उस इतिहास के नाल असीं तुहानूं रूबरू करा रहे हैं अज बाबा जी के गुरुद्वारे, क्योंकि अज गुरुद्वारा शहीदगंज विखे बाबा जी का शहीदी दिहाड़ा है। तो उस शहीदी दिहाड़े के उत्ते जिहड़ियां रौनकां जिहड़ियां ने लगियां ने, तो संगतां जिथे अज सवेरे अखंड पाठ साहिब के भोग पाए गए हैं, तो उस तो बाद
सुंदर दीवान भी सजाए गए हैं। तो उस दीवान के लोग शिरकत कर रहे हैं। तो उस तो इलावा जी संगत सवेरे पुज रही ने वो तुम असी थानू अपने कैमरे के माध्यम राही दिखा रहे हैं कि किदा श्रद्धा भावना के नाल लोग जोड़े ने इतने आ रहे हैं। तो उसकी एक तस्वीर है तो तुम देख सकते हो कि जो इतने लोग आए ने ते हर कोई व्यक्ति चाहे जिस मर्जी धर्म का है वो इत्थे आके नतमस्तक हो रहा है। जिहड़े लोग अपने घर च बैठे ने तो साडा मकसद है वै कि लोग वध तो वध दर्शन मेले कर सकन। तो इस करके असी अज असी आए हाँ बाबा दीप सिंह जी के गुरद्वारा साहब शहीदा साहब विखे तो उत्थे तुहानू असी दर्शन करा रहे हैं ताकि लोग जिहड़े नहीं पहुँच सके जिहड़े देशों विदेशों च बैठे ने तो वह दर्शन कर सकन ते अपने आप नू जरा है वेखो कि शांत हो के लोग जो इतने तुम कतारा भी तुम दिखावे किस तरीके लोग इतने आए हैं वो भी तस्वीर तुम साझी कर रहे हैं। तुम वेखो जरा आम का रस्ता है उत्थे कि दूर दूर तक लंबिया कतारा जरिया इतने नज़र आ रही ने। तो दर्शन तुम करा रहे हैं गुरद्वारा शहीदा साहिब अमृतसर साहिब विखे जो कि श्री अमृतसर साहिब जो कि गुरु पीरां दी धरती है उत्थे अज अनोखे अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा जिहड़ा है श्रद्धा भावना दे नाल मनाया जा रहा है। तो वख वख जथेबंदियां वालों इत्थे सेवा भी की जा रही है। तो बाबा कश्मीरा सिंह जी भूरीवालिया वालों भी इत्थे खास सेवा लाई गई है। तो होर भी बाबा जी गल करा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा जी की कहना चाहोगे अज इस दिन के उत्ते बाबा जी के इतिहास बारे जानू कराओ तो की आयोजन किए जा रहे जी। सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत नोखे अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी जिन्हों का समूह संगत वालों समूह विश्व भर में अज शहीदी दिहाड़ा बहुत ही श्रद्धा से धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। सब तो पहला दास बाबा जी की शहादत नूं कोट कोट प्रणाम करते हुए समूह संगत बेनती करते हैं कि अज गुरद्वारा शहीदगंज बाबा दीप सिंह जी श्री अमृतसर विखे बाबा जी के शहीदी समागम आरंभ हो चुके हैं। समूह संगतों नूं बेनती है कि इत्थे पहुँच के दर्शन करके गुरु घर दीआं सेवावां करके अपना जीवन का लाहा लो जी। कुछ संगतां भी साडे नाल मौजूद ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की कहना चाहोगे जी अज गुरुद्वारा साहब मत्था टेकन आए जी। ज्यों तो प्रेम खिलण का चाहो सिर तर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर त्रीजे सिर दीजे कान ना कीजे इन्हां बचनां नूं पूरियां करदिआं होइआं सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दी आण शान नूं दी राखी वास्ते धन धन अमर शहीद बाबा दीप सिंह ने जो लसानी शहादत दिती है उन्हां दा अज शहीदी दिहाड़ा गुरद्वारा शहीदगंज साहब विखे बड़ी श्रद्धा भावना नाल मनाया जा रहा है। सो समूह संगतां इस अवसर ते धन धन बाबा दीप सिंह दे पावन दिहाड़े दे शहीदी दिहाड़े नूं नकमस्त हो के शहीदी दिहाड़ा मना रही हैं। शहीदी दिहाड़े नूं मैं कोटन कोटन प्रणाम करता हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो तुम वेख सकते हो कि संगतां पुज रही ने तो हर कोई अनोखे अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी की लसानी शहादत जो कि एक सिख कौम दे विच सिख धर्म दे विच एक वखरा एक मकाम है क्योंकि इस तरह की शहादत कितें भी देखने नहीं मिलती क्योंकि एक भगतीमय शक्ति बहादरी का प्रतीक जरा है ये स्थान है। तो इतने जो लोग आते हैं उन्होंने मुरादा पूरिया होंगे ने। तो खास करके अज के दिन बाबा दीप सिंह जी का जो शहीदी दिवस है तो उस वेले संगतां जिहड़ियां ने अज पुज रही ने तुसीं वेखो कि हर कोई व्यक्ति इत्थे कोई पाठ कर रहा है तो कोई अपने आप नू नतमस्तक कर रहा है। तो उस वेले जिहड़ियां हैं संगतां इत्थे हुम हुमा के पुज रही ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। तुसीं वेखोगे कि संगतां दा इस वेले असीं लोकां नाल गलबात करन दी कोशिश करांगे जिहड़े लोग इत्थे पुज रहे ने तो उहनां नाल जाणांगे कि आखिरकार की कहना उहनां दा। तो वो भी असी तुहानू साझा कर रहे हैं अमृतसर तो ने। तो कुछ संगतां जिहड़ियां होर भी आईयां ने असीं उन्हां नाल गलबात करांगे जिहड़े कि इत्थे पुज्जियां ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की कहना चाहोगे जी अज मत्था टेकन आए जे। तो कुछ होर भी संगतां ने जिन्हां नाल असीं कोशिश करांगे
ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ? ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਮਾ ਆ ਕੇ ਆਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹੋ? ਇਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧੂੜ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਮ ਹੁੰਮ ਆ ਕੇ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਨਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।